एक निश्चित राज्य में जब सबसे खूबसूरत युवती की बात आती है तो कोई भी राजकुमारी जोई का उल्लेख करने से नहीं बच सकता। उसके पास एक आकर्षक राजसी चेहरा था, उसके बाल एक नरम धारा की तरह चमक रहे थे, एक ऐसा दृश्य जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उसकी सुंदरता के विपरीत एक अहंकारी और घृणित आचरण था। जल्दी इन गंदे लोगों को मेरी नजरों से दूर करो। जोई सभी गरीब, मनहूस और बदसूरत व्यक्तियों से परेशान थी। वो चूहों की तरह छिप कर रहने के लिए मजबूर थे। एक दिन जोई अचानक से गंभीर रूप से बीमार पड़ी, कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो गई। राजा, उसके पिता बहुत चिंतित हुए। उसने उसे ठीक कराने के लिए सभी प्रकार के दुर्लभ उपचार खोजे। आखिरकार राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। लेकिन जोई को एहसास हुआ कि उसके सुंदर बाल अब पहले जैसे सुंदर नहीं थे। मेरे बालों के साथ ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसके बाल पूरी तरह से झड़ गए और उसका सिर गंजा हो गया। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति से जोई एक निराशा आत्मा में बदल गई, जो अपने बारे में असुरक्षित थी। राजकुमारी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। दर्पण में देखकर और अपनी कुरूपता को देखकर जोई को और अधिक निराशा हुई। हाँ? ये सही है, मुझे सिलास को ढूंढना होगा, राज्य का सबसे कुशल जादूगर, मेरे बाल वापस उगाने के लिए। और इसीलिए उस रात जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा था और कोई भी उसका गंजा सिर नहीं देख सका, जोई जादूगर को खोजने के लिए चुपके से महल से बाहर निकल गई। जादूगर के निवास में प्रवेश करते हुए जोई को एक भयानक एहसास हुआ। गंजी राजकुमारी मुझसे क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल वापस उगाए। उस रवैये के साथ ये असंभव है। कृपया मेरी मदद करें। अच्छा ठीक है, जल्दी से मेरे साथ आओ। सिलास जोई को एक कमरे में ले गया, जहां विग के कई सेट थे। ये विग राजकुमारी को और भी खूबसूरत बना देगी। मैं इन्हें चुनूंगी। आप नहीं कर सकते, अगर इसे पहना जाए तो ये निश्चित ही परेशानी लाएगा। नहीं, मैं इसे खरीदूंगी। कितनी मूर्ख है, आज मुझे थोड़ा फायदा हुआ। सुबह सुबह जोई ने खुशी खुशी अपने नए खरीदे हुए बाल पहने। जादुई रूप से वो एक अलग व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगी, पहले से भी ज्यादा शानदार। बहुत खूबसूरत। एक चमत्कारी बाल। अपने हाथों को मेरे बालों से दूर रखो, बाहर जाओ, जल्दी। शरारती राजकुमारी वापस आ गई है। जोई आत्मविश्वास से भर निकली। उसके बाल असली इंद्रधनुष फूल की तरह सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अचानक फटी हुई टोपी पहने कमजोर बीमार लड़की गलती से जोई से टकरा गई। उसकी टोपी गिर गई। ओह, एक गंजा सर। मुझे क्षमा करो, कृपया मेरी टोपी लौटा दो। अगर तुम बदसूरत हो तो अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना। जैसे ही जोई ने अपनी छोटी सी शरारत की, उसकी खुशी बढ़ गई। वो एक विक्रेता के स्टॉल पर गई और एक कीमती रत्न का कंगन खरीदा। ये एक दुर्लभ और महंगा रत्न का हार है। मैं इसके बदले में आपको ये बाल दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने बाल खींचे, अचानक उसके सिर पर प्रहार हुआ, जिससे वो स्तब्ध रह गई। आउच, कौन है? निराश होकर जोई मजाकिया निगाहों से दूर चली गई और दर्शकों की हंसी दब गई। Yeah!
मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने चुपके से मुझ पर हमला किया। आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। आप कौन हो? मैं लायरा हूँ, आपके पहने हुए इंद्रधनुषी बालों की मालकिन। मैं एक अन्यायपूर्ण भाग्य से मिली, मैं इन बालों में विलीन हो गई, इस उम्मीद में कि कोई मेरी मदद करेगा। मुझे कुछ नहीं पता, अब ये बाल मेरे हैं, मुझसे चिपकना बंद करो। अगले दिन जोई ने खुशी की तलाश जारी रखी। मत जाओ, आज कुछ अप्रिय घटित होगा, तुम्हें तो चुप रहो। बाजार में जोई ने चंचलता पूर्वक मजाक किया और आसपास मौजूद सभी लोगों को चिढ़ाया। जोई अपने मजाक से प्रसन्न रही, शरारत करती रही और सभी को चिढ़ाती रही। जोई ब्रूनो नाम के एक गरीब से लड़के से टकरा गई। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आपके पास सुंदर बाल है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। नहीं, राजकुमारी गंजी है, इंद्रधनुषी बाल नकली है। जोई को डांटते हुए लोग इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में उसकी सुंदरता और शक्ति की जो छवि थी वो टूट गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुमने नहीं सुनी। मैं इस भावना को समझती हूँ क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ। जब मैं जीवित थी मेरे पास शानदार इंद्रधनुषी बाल थे, लेकिन क्योंकि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार थे, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक जादूगर को अपने बाल बेचने पड़े। हालांकि उसने बीमार होने का नाटक करके मुझे धोखा दिया और उन पैसों का इस्तेमाल करके दूसरी लड़की को प्रपोज किया। तुम्हारे जैसा बदसूरत व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, यहाँ से चले जाओ। आक्रोश के कारण मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी आत्मा बच नहीं सकी, इसलिए मुझे बदला लेने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढने की उम्मीद में इन बालों में प्रवेश करना पड़ा। ये सुनने के बाद जॉय को उस पीड़ित आत्मा पर दया आ गई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं खुद की मदद भी नहीं कर सकती। मैं लोगों का विश्वास और प्यार बहाल करने में आपकी मदद करूंगी। लायरा की बात सुनकर जॉय ने जादूगर से सभी नकली बाल खरीदने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल किया और इसे गंभीर रूप से बीमार और गरीबों में वितरित कर दिया जिनके बाल झड़ गए थे। आप सचमुच सुंदर और दयालु हैं, चाहे आपके बाल इंद्रधनुषीय हो या ना हो। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर जोई ने अपने पिछले गलत कामों को पहचान लिया और दूसरों को बदलने और उनकी सहायता करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गई। मुझे ये समझाने में मदद करने के लिए धन्यवाद कि आत्मा की सुंदरता ही वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है। आगे बढ़ो और मुझे बताओ, अब मुझे आपकी मदद के लिए क्या करना चाहिए? लायरा जोई को उसके घर में ले गई जहां वो रहती थी। सब कुछ अपरिवर्तित देखकर लायरा फूट फूट कर रोने लगी। वहां कौन है? ये टाइसन था, लायरा का पति। लायरा के निधन के बाद टाइसन भी अपनी नई पत्नी से स्तब्ध रह गया। कड़वाहट से भरकर उसने खुद को शराब में डुबो लिया और एक मनहूस और विक्षिप्त व्यक्ति बन गया। उसने जोई के इंद्रधनुषीय बालों में अपने दिवंगत पत्नी के बालों को मिलते जुलते देखा। लायरा, मेरी पत्नी, उसे खत्म करो जोई। रुको, बोलो लायरा, अपनी शिकायतें दूर करो, मैं तुम्हें अपनी भावनाएं उस तक पहुंचाने में मदद करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम घृणित हो, जीवन के लायक भी नहीं। मुझे खेद है कि मैं गलत था, मैं तुम्हें सचमुच खोने के लिए बड़ा अफसोस में हूँ। मैं अपना शेष जीवन पश्चाताप करते हुए बिताने को तैयार हूँ। आखिरकार लायरा अपने दिल के बोझ से छुटकारा पाने में कामयाब रही। अब उसे पछतावे का सामना नहीं करना पड़ा। धन्यवाद, इसे तुम्हें वापस देना। ये बाल इसके असली मालकिन को वापस मिल जाने चाहिए।
दयालुता का बदला चुकाने के लिए लायरा ने अपने आधे इंद्रधनुषी बाल जोई के साथ साझा किए। अब उन दोनों के इंद्रधनुषी बाल थे, बस थोड़े छोटे। ये असली बाल है। जोई संतुष्ट थी, उसके पास जो कुछ था उससे संतुष्ट थी। चाहे गंजा हो या छोटे बालों वाली, जोई हमेशा सभी की पसंदीदा राजकुमारी रही। एक निश्चित राज्य के भीतर शाही वंश ने हमेशा जुड़वा जोड़ों को जन्म दिया। लहराते सुनहरे बालों वाली और दूसरी के बाल चांदी के धागों जैसे थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो एक देवता द्वारा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी। वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। ओप्स, गलत स्क्रिप्ट। ओ, शाही जुड़वा जोड़ी के बारे में। केवल सुनहरे बच्चे को ही असली उत्तराधिकारी माना जाता था। सिल्विया जैसे चांदी के बच्चों को अधिशेष माना जाता था। बड़ी बहन क्रिसा के साथ हमेशा सिल्विया की तुलना में अधिक दयालु व्यवहार किया जाता था। सारा कीमती सोना जो दुर्लभ था सुनहरी राजकुमारी क्रिसा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जब्त कर लिया गया। चांदी की राजकुमारी के साथ उतना दयालु व्यवहार नहीं किया गया। उसे केवल चांदी की संपत्ति की अनुमति थी। अंदर ही अंदर वो अपनी बड़ी बहन की तरह बनने की चाहत रखती थी। क्रिसा सिल्विया से प्यार करती थी, लेकिन अपने शाही कर्तव्यों के कारण वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। परिणाम स्वरूप रजत राजकुमारी को अधिकाधिक अलग थलग महसूस हुआ। उनके 18वें जन्मदिन पर शाही जुड़वा जोड़ी के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया था। निसंदेह मुख्य पात्र के रूप में क्रिसा के साथ चांदी की राजकुमारी सिल्विया अपनी बहन के साथ एक ही जन्म तिथि साझा करने के बावजूद केवल एक अनाम अतिथि थी। निराशा और अकेलापन महसूस करते हुए सिल्विया ने उत्सव को अनदेखा कर दिया। उसने खुद को काला बाजार क्षेत्र में पाया बिना ये सोचे कि वो वहाँ कैसे पहुँची। वो क्या है? एक सोने की अंगूठी? क्या शाही परिवार को सारा सोना जब्त नहीं कर लेना चाहिए था? काले बाजार में आप कुछ भी पा सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होगा बस। सिल्विया ने अंगूठी खरीदने के लिए अपनी जेब खाली कर दी। वो लंबे समय से एक सुनहरी वस्तु की कामना कर रही थी। सिल्विया को पता था कि एक सुनहरी आत्मा सैकड़ों वर्षों से अंगूठी में फंसी हुई थी और उसने अनजाने में इसे आजाद कर दिया था। मैंने आपके विचार पढ़ लिए हैं। मैं तुम्हें चुकाने के लिए एक सुनहरी राजकुमारी बनने में मदद करूंगा। नहीं नहीं, आप कौन हो? मैं नहीं समझी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बारे में। क्या आप जीवन भर के लिए चांदी की राजकुमारी बनना चाहती हैं? यद्यपि संदेह था, मधुर अनुनय ने सिल्विया को प्रभावित किया। इस जादू के साथ आपको इसे बदले में अपनी चांदी से कुछ न कुछ बदलना होगा और मैं चुनता हूँ। सिल्विया बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। इस औषधि से स्नान करें। औषधि ने सिल्विया के स्नान को एक जादुई टब में बदल दिया। चांदी की राजकुमारी से अनभिज्ञ औषधि ने क्रिसा को भी प्रभावित किया। जादुई बाथ टब ने न केवल सिल्विया को बदल दिया लेकिन अपने बालों का रंग भी अपनी सुनहरी बहन से बदल लिया। वाओ! इस अभूतपूर्व घटना से पूरा राज्य हिल गया। अंत में उन्होंने कीर्तिदंती के शब्दों का पालन किया और सिल्विया को उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार सिल्विया वो सुनहरी राजकुमारी बन गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो विलासितापूर्ण जीवन जी रही थी जिसके लिए वो तरस रही थी। सिल्विया कभी इतनी खुश नहीं थी। अब सिल्विया जहाँ भी जाती सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती।
कोई भी उतना उदासीन नहीं था जितना वे तब थे जब वो चांदी की राजकुमारी थी। वाह बहुत सुंदर, तुम बहुत स्पष्ट मत बनो। तो आपके लिए स्पष्ट होना ठीक है ना? लेकिन सिल्विया एक सुनहरी राजकुमारी की भारी जिम्मेदारियों से अनजान थी। सिल्वी! वारिस बनने के लिए सिल्विया को कई चीजें सीखने की जरूरत थी, लेकिन उसे जल्दी से अनुकूल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सिल्वी! सिल्वी! और वो अक्सर राजा से डांट खाती थी। सिल्वी! आप ऐसे कैसे वारिस बन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी बहन? मेरी बहन के बारे में क्या? निसंदेह वो दिन आ गया जब सिल्विया इसे और सहन नहीं कर सकी। पूरी तरह निराश होकर राजकुमारी चली गई। अब सिल्विया बस अकेली रहना चाहती थी, लेकिन वो दूसरों के ध्यान से बच नहीं सकती थी। तुमने उसे डरा दिया जैसे कि वो आप नहीं है। सोच में खोई हुई वो अपने पुराने कमरे में वापस चली गई, लेकिन अपनी बड़ी बहन की उपस्थिति से बहुत आश्चर्यचकित हुई। सिल्विया क्या वो तुम हो? अतीत में क्रिसा पर एक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों का बोझ था। चांदी की राजकुमारी बनने से सिल्विया को बिना किसी निगरानी के जो वो चाहे करने की आजादी मिल गई थी। लेकिन चांदी की राजकुमारी होने में बहुत अकेलापन है, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, मैं एक भूत की तरह हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हें कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ करो सिल्विया। नहीं, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना संघर्ष किया। बधाई हो, लेकिन अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। सिल्विया जिस पर सहमत हुई थी उसे लेने के लिए सुनहरी आत्मा आ गई। और बदले में मुझे जो चाहिए वो है आपकी रजत बहन। क्या? ये कैसे संभव है? ये एक सौदा है, आपकी चांदी का कुछ और मेरी पसंद का। नहीं, वो मेरी बहन है, मैं नहीं करूँगी। अनुबंध की अवहेलना मत करो। क्रोधित आत्मा एक सुनहरे प्राणी में बदल गई और बकाया राशि मांगने के लिए बहनों का पीछा करने लगी। और उन्हें राजा के दरबार में ले जाया गया। सुनहरे प्राणी ने किसी भी कमजोर प्रतिरोध पर आसानी से काबू पा लिया। ये खेल बहुत हो गया। वो चांदी की बहन क्रिसा पर दावा करने के लिए दृढ़ थी। ये मेरी गलती है, अगर मैं स्वार्थी नहीं होती, अगर मुझे तुम्हारी परवाह होती। अचानक सिल्विया को एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी सुनहरी आत्मा की औषधि है। जब तक आप सुरक्षित हैं, मुझे इस भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। दानव उस चीज को नहीं छीन सकता था जो सौदे का हिस्सा नहीं थी। इसके बजाय मुझे ले लो। आप नहीं है क्या? आप शाही वंश में नहीं है? सही, मैं फिरगौल हूँ, पहला स्वर्ण शासक, और वो भी जिसने झूठी कहानी गढ़ी। मैं सत्ता की लालसा में डूब गया। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के देवता ने मुझे मेरे धोखे के लिए दंडित किया और मेरी आत्मा को सोने की अंगूठी में कैद कर लिया। मुझे तभी मुक्त किया जा सकता है जब कोई चांदी की राजकुमारी या राजकुमार उस अंगूठी को छू ले। सिल्वी के मन में झांकते हुए मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपने वंशजों को कष्ट पहुंचाया, इसीलिए मैंने ये नाटक आयोजित किया ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सके। तो भविष्यवाणी झूठी थी? मैं माफी चाहता हूँ, इसकी वजह से मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ सका। सुनहरी आत्मा ने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया और आगे बढ़ने में सक्षम हो गई। बाहरी दिखावट का अब कोई महत्व नहीं रह गया। अब कोई सुनहरी राजकुमारी या चांदी की राजकुमारी नहीं थी, और सिल्विया को आखिरकार वो चीज मिल गई जो उसे वास्तव में खुश करती थी। क्या होगा अगर एक खूबसूरत लड़की को श्राप देकर राक्षस बना दिया जाए? परिणाम जानने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, जंगल के किनारे बसे एक राज्य में जूड नाम की खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसके बाल आकाश गंगा की तरह खूबसूरती से लहरा रहे थे और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। नमस्ते सुंदर राजकुमारी। hmm.
राजकुमारी निश्चित रूप से भविष्य में सबसे खूबसूरत महिला बनेगी। जूड को उसके राजा पिता बहुत प्यार करते थे, जिससे उसे दुनिया का पता लगाने की आजादी मिलती थी। जंगल में अपनी एक यात्रा के दौरान जूड चिल्लाई। जाल से बचने के लिए अपने आसपास की हर चीज का उपयोग करने की कोशिश की। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई है जो मुझे बचा सकता है? मुझसे दूर रहो भयानक राक्षस। जूड को जाल से मुक्त करने के लिए राक्षस ने हाल में ही सीखे गए कुछ जादू का इस्तेमाल किया। जूड को पता चला कि छोटे राक्षस का नाम ओक था। वो इस जंगल में रहता था। मुझे आपसे दोस्ती करके खुशी हो रही है। यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है। नीच राक्षस कभी भी इंसानों के साथ दुनिया में नहीं रह सकते, समझे? जैसे जैसे समय बीतता गया, जूड बड़ी होकर एक सुंदर और सुंदर राजकुमारी बनती चली गई। मेरी ये सुंदरता किसी योग्य व्यक्ति के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जूड ने सभी विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उसका दिल पड़ोसी राज्य के राजकुमार जटाल पर आ गया। वे अभी तक जटाल से नहीं मिली थी, लेकिन सभी ने उसके बारे में बहुत सारी बातें की और कहा कि वो बुद्धिमान और दयालु दोनों था। जटाल के लिए जूड की प्रशंसा उसके कानों तक पहुंची। सगाई के लिए उपहार तैयार करें, मैं उसे प्रपोज करूंगा। जैसा कि अनुमान लगाया गया, जूड ने जटाल के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। सगाई के बाद दोनों राज्यों ने जल्दी से शादी की तैयारी की और नागरिक प्रतिभाशाली और सुंदर जोड़ों से मिलने के लिए खुश हो गए। ये संगाई की अंगूठी है, मैं आपको देना चाहता हूँ। इसे जल्दी से मुझ पर डालो जटल। जैसे ही जूड ने अंगूठी पहनाई, वो तुरंत संघर्ष करने लगी और सबकी आंखों के सामने एक राक्षस में बदल गई। वो राज्य को बदलने और नष्ट करने के लिए शापित प्राणी है। राजा उसके कार्य में सहभागी था। दुष्ट राक्षस, चलो इसे छुटकारा पाए। यहाँ से चले जाओ। भयभीत होकर जूड ने प्याले से हार निकालने की कोशिश की। उसी समय एक राक्षस स्वामी प्रकट हुआ। उसने नागरिकों को तितर बितर कर दिया और जूड को अपने साथ ले गया। दानव स्वामी जूड को गुप्त खतरों से दूर जंगल के अंदर ले गया। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? राक्षस भगवान मुस्कुराए और अपने अतीत को याद किया, जब वे दोनों बच्चे थे और उन्होंने उसे एक जाल से बचाया था। आप ठीक है ना? जूड के राज्य में वापस जब उसके पिता को भगा दिया गया, जटाल ने राजा बनने के अवसर का लाभ उठाया और दोनों राज्यों को एकजुट कर दिया। राक्षसों को हराने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन जटाल के शासनकाल के बाद से लोगों का जीवन कभी भी खुशहाल नहीं रहा। उन्होंने सख्त कानून लगाए, जिससे नागरिकों को राज्य के बाहर दूसरों के साथ व्यापार करने से रोका गया और खाद्य आपूर्ति को सीमित कर दिया गया, जिससे भूख और बीमारी पैदा हुई। ये देखकर जूड काफी सदमे में आ गई। मैं वापस लौटना चाहती हूँ और उस दुष्ट जटल को सजा देना चाहती हूँ, लेकिन इस दिखावे से तो मुझे घिन आती है। लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? जंगल के जादूगर की तलाश करते हैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ। जंगल का जादूगर, मेरा जादुई शिक्षक आपको श्राप तोड़ने में मदद करेगा। मुझे वहाँ ले जाओ। इसीलिए ओक जूड को वन जादूगर के पास ले गया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन्हें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। अंत में ओक और जूड वन जादूगर के पास पहुंच गए। आप श्राप तोड़ना चाहते हैं, है ना? हाँ, आपको कैसे मालूम? एक बार अंगूठी पहनने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता। एकमात्र तरीका ये है कि इसे अनलॉक करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के खून का उपयोग किया जाए जो आपसे सच्चा प्यार करता है। जादूगर की बात सुनकर जूड निराशा में पड़ गई। आपको वो व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। इस विभत्य रूप के साथ कौन मुझसे प्यार करने की हिम्मत करेगा? जैसे ही वो दुखी हुई, ओक ने उसके सामने एक छोटा सा संदूक पेश किया। बॉक्स के अंदर एक कीमती हेयरपिन था, जो उसकी दिवंगत माँ का उपहार था, जिसे जूड ने लंबे समय तक संजो कर रखा था। मैं इसे बहुत दिनों से खोज रही हूँ,
आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसे तब पाया जब आपने इसे त्याग दिया था और तब से अब तक इसे बचा कर रखा है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ गिरा, इसकी इतनी सावधानी से देखभाल करने के लिए धन्यवाद। टूटे हुए हेयरपिन को देखकर जूड को एहसास हुआ कि दिखावे से किसी का असली स्वभाव निर्धारित नहीं होता है और ओक वो दानव स्वामी जिसे वो हमेशा तुच्छ समझती थी विश्वसनीय दयालु और उन सुंदर और षड्यंत्रकारी व्यक्तियों की तुलना में कहीं बेहतर है। ओक राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता करे। रात की आड़ में जूड चुपचाप राज्य में घुस गयी। जूट सैनिकों को डराते हुए एक राक्षस आकृति में परिवर्तित हो गई। दानव वापस आ गए। उसे जल्दी से हराओ। अतीत की दर्दनाक यादें फिर से उभर आईं, जिससे वे स्तब्ध रह गई। सब लोग शांत हो जाओ। जटाल के अत्याचार से बचने में आपकी मदद करने के लिए जूट वापस आ गई है। जटाल के गद्दी संभालने के बाद क्या जीवन और भी दयनीय नहीं हो गया? हम आजादी चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। जूट बहुत खुश थी क्योंकि उसने नागरिकों को बाहर से हमला करने का निर्देश दिया था, जबकि वो और ओ जटाल का सामना करने के लिए महल में घुस गए। जैसे ही जूट और ओ हॉल में दाखिल हुए, जटाल ने अप्रत्याशित रूप से घातक हमला कर दिया। चूंकि वो लड़ने की आदी नहीं थी, जूट ने अपने विकराल स्वरूप के बावजूद जल्द ही खुद को नुकसान में पाया। जटाल ने घातक प्रहार करने का मौका लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ओक ने अपने शरीर से उसकी रक्षा की। नहीं, ओक! जूट को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर बदल रहा है, उसके सींग और पंजे गायब हो रहे हैं और वो अपने सामान्य मानव रूप में लौट रही है। अभिशाप आधिकारिक तौर पर टूट गया। मुझे जाने दो। ओक, उठो, ओक! मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शांत हो जाइए, ये सिर्फ एक सतही घाव है, मेरे जैसे राक्षस स्वामी को कैसे हराया जा सकता है। तुमने सब कुछ सुना? आप बहुत शोर मचा रहे हैं। हाँ, मैंने सब सुन लिया है। उत्साहित नागरिकों ने खुशी मनाई क्योंकि वे अंततः जटाल के अत्याचार से मुक्त हो गए। वे राजा को वापस ले आए और उसका शासन पुनः स्थापित किया। ओके ठीक होने के बाद एक भव्य शादी हुई। दोनों ने पूरे राज्य के सामने एक मधुर चुंबन का आदान प्रदान किया।